विश्व भर में फैली नोवल कोरोना वायरस की बीमारी को मात देने में सरकार की मदद करें। आप सभी से अनुरोध है कि भारत सरकार द्वारा लागू किए गए लॉकडाउन को गंभीरता से फॉलो करें, इसके अधीन आए सभी आदेशों का पालन करें। हम एकजुट होकर ही इस बीमारी को हरा सकते हैं। घर में रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार, कर्मयोद्धा के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निखिल शर्मा। आप कर्मयोद्धा के YouTube चैनल पर किडनी से संबंधित हर प्रकार की जानकारी आसानी से ले सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे प्रोटीन्यूरिया के टाइप्स और रीजंस के बारे में। यूरिन में प्रोटीन आने की समस्या को प्रोटीन्यूरिया कहते हैं और ये एक गंभीर समस्या है। किडनी की समस्या का सबसे पहला लक्षण यूरिन में प्रोटीन आना होता है। यूरिन में प्रोटीन आना कई और बीमारियों का लक्षण भी हो सकता है, जैसे कि आपको डायबिटीज, कैंसर, ल्यूपस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस और सिकल सेल डिजीज हो सकती है। किडनी से जुड़ी इस समस्या में यूरिन में से प्रोटीन निकलने लगता है। प्रोटीन की बात करें तो हम आपको बता दें, खून में मौजूद प्रोटीन हड्डियों को मजबूत करने के साथ साथ हड्डियों के विकास में मदद करता है। इसके अलावा प्रोटीन मसल्स को बनने में मदद करता है, लेकिन जब किडनी खराब होने लग जाती है तब वो अपना काम सही से नहीं करती और इसका पता सबसे पहले यूरिन में आते प्रोटीन से लग जाता है। पहले हम आपको बता दें प्रोटीन्यूरिया कितने टाइप का होता है। वैसे तो इस बीमारी के 3 टाइप होते हैं, ट्रांजिएंट, ऑर्थोस्टेटिक और परसिस्टेंट। फर्स्ट है ट्रांजिएंट, जो कि प्रोटीन्यूरिया की एक नॉर्मल टाइप है। इसमें आपको यूरिन में प्रोटीन जाने के साथ साथ आपको थकान और बुखार महसूस हो सकता है। इसका इलाज आप घरेलू नुस्खे या आयुर्वेदिक दवाइयों से भी कर सकते हैं। सेकंड है ऑर्थोस्टेटिक प्रोटीन्यूरिया, तब होता है जब व्यक्ति यूरिन में प्रोटीन को दूसरी अवस्था में खो देता है, लेकिन लेटते समय नहीं। यह 2-5% टीनेजर्स में होता है, लेकिन 30 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में कम देखने को मिलता है। ऑर्थोस्टेटिक प्रोटीन्यूरिया का कोई कारण नहीं है। ऑर्थोस्टेटिक प्रोटीन्यूरिया हानिकारक नहीं है, इसलिए इसके इलाज की जरूरत नहीं पड़ती और आमतौर पर यह उम्र के साथ साथ गायब हो जाता है। लास्ट है परसिस्टेंट प्रोटीन्यूरिया। इन दोनों के विपरीत यह बीमारी किडनी की खराबी से जुड़ी हुई है। तो आइए जानते हैं आखिर किन कारणों की वजह से आपको इस समस्या का सामना करना पड़ता है। फर्स्ट है जब किडनी के फिल्टर्स खराब हो जाते हैं या किसी वजह से किडनी अपना काम सही से नहीं कर पाती, तब किडनी को खून के साथ प्रोटीन को बॉडी में फ्लो करवाने में दिक्कत आने लग जाती है। इस वजह से प्रोटीन पेशाब के जरिए शरीर से बाहर आने लगता है, जिसे प्रोटीन लॉस और प्रोटीन्यूरिया कहते हैं। पेशाब में प्रोटीन आना नेफ्रोटिक सिंड्रोम की समस्या का भी लक्षण हो सकता है। सेकंड है जब बॉडी में प्रोटीन की मात्रा जरूरत से ज़्यादा हो जाती है, तब भी प्रोटीन यूरिन के साथ बॉडी से बाहर आने लगता है। बॉडी में प्रोटीन की ज़्यादा मात्रा होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि प्रोटीन युक्त आहार का ज़्यादा सेवन और सप्लीमेंट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना। प्रोटीन्यूरिया होने के ये रीज़न पहले वाले से कम गंभीर हैं, लेकिन अगर इसका समय पर इलाज ना किया जाए तो इससे किडनी खराब हो सकती है। इसके अलावा अचानक से शुगर का लेवल भी गिर सकता है। प्रोटीन्यूरिया होने के इन दो कारणों के अलावा और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट है किडनी की बीमारी का पारिवारिक इतिहास। जिन लोगों के परिवार में पहले से ही किडनी से जुड़ी कोई समस्या रही हो तो उनको भी प्रोटीन्यूरिया की समस्या होने का खतरा रहता है। सेकंड है डायबिटीज़। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से डायबिटीज़ की बीमारी से जूझ रहा है तो उसे प्रोटीन्यूरिया की समस्या होने का खतरा रहता है। डायबिटीज़ होने पर खून में शुगर की अमाउंट बढ़ जाती है, जिससे किडनी को ब्लड प्योरिफिकेशन यानी खून साफ करने में दिक्कत होने लगती है। खून में शुगर की मात्रा ज़्यादा होने से किडनी के फिल्टर्स खराब होने लगते हैं, जिससे किडनी में ब्लड फ्लो नहीं हो पाता और प्रोटीन के जाने में मुश्किल होती है और इस वजह से प्रोटीन्यूरिया की समस्या होने लग जाती है। लास्ट है ब्लड प्रेशर। खून में सोडियम की ज़्यादा मात्रा होने के कारण हाई ब्लड प्रेशर की समस्या पैदा होती है। लगातार हाई ब्लड प्रेशर होने के कारण किडनी पर दबाव बढ़ने लगता है, जिससे किडनी को अपना काम करने में दिक्कत होती है। किडनी पर दबाव ज़्यादा होने के चलते वो प्रोटीन की संतुलित मात्रा को खून में नहीं पहुँचा पाती। ऐसे में किडनी शरीर में प्रोटीन का संतुलन बना नहीं पाती, जिससे शरीर में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होने लग जाती है और प्रोटीन्यूरिया जैसी गंभीर समस्या हो जाती है। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया प्रोटीन्यूरिया के टाइप्स और उसके रीजंस के बारे में। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य किडनी से संबंधित किसी भी रोग से पीड़ित है तो आप कर्मयोद्धा किडनी केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। कर्मयोद्धा किडनी केंद्र में संपर्क करने के लिए आप हमारे नंबर, ईमेल और केंद्र का पता डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, या जानकारी उपयोगी लगी तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्द ही सब्सक्राइब कर लें।